उधर मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार स्वागत हुआ। मालदीव के बाद वो श्रीलंका भी जाएंगे, यानी वो बैक टू बैक उन दो देशों की यात्रा करेंगे जिन्हें चीन ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया और उन्हें अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो उलझते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव और श्रीलंका पर कंगाली का साया मंडराने लगा। भारत के विदेश मंत्री इसी बुरे दौर में दोनों देशों के दौरे पर निकले। तीन दिन के लिए मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और खबर है कि इस दौरे पर एस जयशंकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालदीव में चीन के चढ़ाने पर भारत के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन भारत ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया और अपने पड़ोसी देश की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन के पंजे में फंसे उसके छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भारत की जरूरत है, क्योंकि मालदीव में विपक्ष चीन के उकसाने पर भारत के खिलाफ बातें कर रहा है, क्योंकि चीन ने विपक्ष को मालदीव की सत्ता दिलाने का झांसा दिया और मालदीव के विपक्षी नेता पूर्व राष्ट्रपति यामीन उसकी बातों में आकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाया और उसके विदेश मंत्री मालदीव दौरे पर गए और दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। मालदीव चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और भारत ने उसे करोड़ों डॉलर की मदद दी है। यही नहीं, भारत ने कोरोना काल में भी मालदीव की मदद की थी और कुछ ऐसी ही मदद की उम्मीद श्रीलंका को भी है, जहां पर एस जयशंकर मालदीव दौरा खत्म करने के बाद जाएंगे। जहां श्रीलंका को आर्थिक मदद देने की बात हो सकती है, श्रीलंका चाहता है कि भारत उसकी मदद करे। यही नहीं, आईएमएफ से लोन लेने में भी उसे भारत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आईएमएफ ने उसके सामने शर्त रखी है कि वो भारत से इस मामले में सहयोग मांगे और भारत के विदेश मंत्री ने भरोसा दिया कि वो अपने पड़ोसी देश श्रीलंका की हर मुमकिन मदद करेगा। इधर दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर स्कूल में पढ़ने वाले एक नाबालिग छात्र पर अपने ही टीचर पर चाकू से हमला करने का आरोप लगा, जिसमें वो टीचर बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी 12वीं का छात्र बताया गया, जिससे पुलिस ने पूछताछ की, साथ ही पीड़ित का बयान भी दर्ज किया गया। उधर राजस्थान सरकार ने राज्य में चल रहे कोचिंग सेंटरों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें छात्रों के टेस्ट के रिजल्ट जारी करने पर रोक और पढ़ाई बीच में छोड़ने पर फीस वापसी जैसे निर्देश दिए गए और बताया गया कि ये सख्ती छात्रों का तनाव कम करने के लिए की गई। पिछले कुछ समय से कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के सुसाइड करने की घटनाएं बढ़ गईं। ऐसे में राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नजर रखने के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर कमेटी बनाने की तैयारी में भी है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना की एक टुकड़ी ब्रिटेन पहुंच गई है। बताया गया कि ये सैनिक उन्हें रूस से निपटने में मदद करेंगे, जिसकी घोषणा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक दिन पहले की थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दावा किया गया कि वो यूक्रेन के सैनिकों को न सिर्फ लड़ने बल्कि अपने लोगों को बचाने की भी ट्रेनिंग देगा। We stand with the people of Ukraine. As a democratic country ourselves, we understand the importance of maintaining a global rules-based order. हालांकि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया कि उनका एक भी सैनिक जंग में यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ने नहीं उतरेगा। इस दौरान ये भी बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने जंग की शुरुआत से अब तक यूक्रेन को 458 मिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से 3700 करोड़ रुपए की मदद की है।